हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास सिक्स का मैथ्स करेंगे बच्चों, और क्लास सिक्स के मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए अब कुछ नई चीजें करेंगे इस चैप्टर में बच्चों, और वो है आकलन। आकलन यानी एस्टिमेशन। तो उसकी सारी चीजें, उसके सारे बेसिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बेस्ड। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर वन है ये। अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों आज जो करने जा रहे हैं हम, वो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब आकलन, इसको हम आकलन भी बोलते हैं। अब ये एस्टिमेशन आकलन होता क्या है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी नंबर है हमारे पास, अगर उसका हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और आपने खरीदारी की, आपने क्या किया, 219 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। अब शॉपकीपर ने क्या किया, 219 नहीं, आपसे 220 रुपए काट लिए, ठीक है, और बाकी रुपए वापस कर दिए। तो उसने क्या किया है, उसने राउंड ऑफ कर दिया है टू नियरेस्ट टेंस, इसको उसने राउंड ऑफ कर दिया है, और तो आपको ये पैसे लौटाए हैं। तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ, या फिर इसको एस्टिमेशन बोलते हैं। राउंड ऑफ यानी सन्निकटित कर दिया है उसने। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि आपका 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, ठीक है, क्लास में 20 नंबर का टेस्ट होता है, और उसमें आपके 16.5 मार्क्स आते हैं। तो इसको बोल सकते हैं आपकी राउंड ऑफ कर दिया है इसको, और आपके 17 मार्क्स आए हैं 20 में से, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया हमने, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास 37, 37 है, इसको आपको क्या करना है, इसका एस्टिमेशन करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। बेसिकली इसको राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे, तो या तो ये 40 के नजदीक हो सकता है या 30, या तो इसको 40 लिख सकते हैं हम या 30 लिख सकते हैं हम। अब ये कैसे पता लगेगा कि इसको 40 लिखना है या 30 लिखना है, ये पता लगेगा बच्चों हमें इस चीज से कि ये 37 है, ये 40 के ज्यादा नजदीक है या 30 के ज्यादा नजदीक है। तो देखिए जब 30 और 37 के अंतर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 7 का अंतर आता है, कितने का, 7 का, और जब 37 और 40 की बात करते हैं तो सिर्फ 3 का अंतर आता है। तो देख रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये 37 40 के ज्यादा नजदीक है, किसके नजदीक है, 40 के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए इसको हम राउंड ऑफ करके या फिर सन्निकटित कर सकते हैं 40 के पास। यही होता है बच्चों राउंड ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहां से एक चीज निकल के आती है, यहां से क्या चीज निकल के सामने आती है, ये देखिए आप, ये 37 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर 6, 7, 8, 9 हुआ, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, उसको 10 मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 37 है, ये 7 है, ठीक है, 7 आ गया, तो इसको हमने क्या मान लिया, 7 को 10 मान लिया, ठीक है। तो ये 1 है, ये इधर
तीन में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 3 + 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और 0 तो आ ही गया 10 के नाम का, यानी कि यहाँ पे 37 का 40 बन जाएगा। ये चीज बच्चों मैं एक बारी दोबारा फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये 7 है, देखिए 7 है आपके सामने, तो ये किसके ज्यादा नजदीक है, ये 10 के ज्यादा नजदीक है, तो 7 की जगह हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना है, 37 है, और 7 की जगह हमने 10 ले लिया है, तो 0 तो यहाँ पे एज इट इज आ गई, क्या बचा अब, 1 बचा ये, तो हमने ये 1 क्या कर दिया, इस 3 में जोड़ दिया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर है 1, 2, 3 और 4, तो उसको हम 0 के पास मानते हैं, इसलिए उनको 0 कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 32, तो 32 को आप क्या लिखेंगे, 32 किसके नजदीक है, 30 के, तो ये राउंड ऑफ करके 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, एंड में क्या है, 2 दिख रहा है, इसलिए मैंने सीधा उठा के इसको 0 लिख दिया है। अगर यहाँ पे 10 लिखता तो क्या होता, 3 की जगह 4 हो जाता, 1 ऐड हो जाता। अब ठीक है, कौन सा नंबर यहाँ से मिसिंग दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 हो तो हम मैं 0 लिख सकता हूँ, 6, 7, 8, 9 हो तो मैं 10 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 5 मुझे मिसिंग दिख रहा है, कितना, 5, क्यों भाई, 5 से 40 भी, मतलब 5 से 10 भी उतना ही दूर पड़ेगा और 0 भी उतना ही दूर पड़ेगा, इसीलिए हम 5 को 10 मान के चलते हैं हमेशा। ये चीज आप, ये एक स्पेशल नंबर है, इसका आप ध्यान रखें कि जब भी राउंड ऑफ करते हैं एंड में अगर 5 होता है, मान लीजिए हम 35 का एग्जांपल लेते हैं, अगर 35 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आप 30 नहीं बच्चों 40 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको हम 5 अगर एंड में होगा तो 10 मान लेते हैं राउंड ऑफ करते टाइम, ठीक है बच्चों। इस तरह इसका हम राउंड ऑफ करेंगे। तो अब आपको पता लग गया कि एंड में, लास्ट में, यानी वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस पे, या फिर इकाई आप बोल सकते हैं, ठीक है, वंस प्लेस या फिर इकाई आप बोल सकते हैं, उस जगह पे अगर 6, 7, 8, 9 हो तो हम उसको 10 मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4 हो तो 0 मान लेते हैं, और 5 हो तो भी हम 10 मान लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम राउंड ऑफ करके देखते हैं इसको, ठीक है, राउंड ऑफ करना हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक नंबर मैं आपके सामने लिखता हूं, ये थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम, 64,827 है। अब बच्चों इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 2 nearest 10s, ठीक है, तो हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 2 nearest 10s मतलब क्या हुआ कि ये 27 है, ठीक है, 27 है, तो इसको हम किसके नजदीक मान सकते हैं, ये 30 के ज्यादा नजदीक है या फिर 20 के, तो देखिए देखने से ही हमें पता लग रहा है 27 ये 30 के ज्यादा नजदीक है, या फिर हमने अभी सीखा था कि एंड में यानी वंस प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 है, और अगर 7 होगा तो उसको क्या मानते हैं हम, उसको 10 मान लेते हैं हम, तो 64,800, और देखिए 7 को अगर हमने 10 मान लिया तो 0 तो एज इट इज आ गया, और ये जो 1 है ये इस 2 में जुड़ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3, तो 64,830 आपका आंसर आ जाएगा अगर हम नियरेस्ट टेंस में करते हैं बच्चों, इसको नियरेस्ट टेंस में करते हैं, तो अगर नियरेस्ट हम 100 में करें तो बच्चों, अगर नियरेस्ट 100 में करना हो तो क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 में करना हो तो देखिए 64,827 यही नंबर लेते हैं हम, इसी को नियरेस्ट 100 में करते हैं, नियरेस्ट 100 में करना हो तो क्या करेंगे, अब देखिए ये 800 को देखेंगे हम, किसको देखेंगे, टेंस में करना था तो हम 27 को देख रहे थे कि ये 30 के ज्यादा नजदीक है या 20 के, लेकिन नियरेस्ट 100 में करना है हमें, तो हम किसको देखेंगे बच्चों, तो हम इस 800 को देखेंगे, और ये 800 बताइए कि 827 है, तो 827 800 के ज्यादा नजदीक है या फिर 900 के ज्यादा नजदीक है, तो मैं देख सकता हूं कि जो 27 है, 27 है वो 50 से छोटा है, यानी कि
ये 800 के ज्यादा निकट है, तो इसीलिए मैं इसको 800 लिख सकता हूँ। या फिर आप इस तरह देख सकते हैं, अगर नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना है, ठीक है, निकटतम 100 में आपको करना है, तो इस बारी आप जो टेंस वाली डिजिट है, टेंस यानी दहाई वाली डिजिट है, उसको आप देखेंगे। ठीक है, टेंस वाली डिजिट है तो ये देखिए 2 है, ये 5 से छोटी है, 1 2 3 4 मैंने बोला था, उसको हम क्या मान लेते हैं, 0 कंसीडर करते हैं, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास ये 2 है यहाँ पे, इसको हम 0 कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मैं एक प्लेस छोड़ देता हूँ, ये 0 है, 2 को हमने 0 मान लिया, तो उसके बाद जो भी नंबर होगा उसको भी हम 0 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को हमने 0 माना है बच्चों, 10 नहीं, तो इसीलिए 8 हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। तो ये हम क्या कर दिया, हमने इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अगर नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे, नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे, तो 64,827 ही है, इसको करना है हमें नियरेस्ट 1000s में। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, ये 64,000 है, नियरेस्ट 100 में करना था तो हम 100 को देख रहे थे, ठीक है, कि 800 के ज्यादा नजदीक है या 900 के, नियरेस्ट 10th में करना था तो हम 10th में देख रहे थे कि ये 30 के ज्यादा नजदीक है या 20 के, अब नियरेस्ट 1000 में करना है तो हम हजारों को देखेंगे, तो यहाँ पे हजार में क्या है, 64,000 है, तो हम यही तो देखेंगे, या तो ये 64,000 के पास होगा या फिर 65,000 के पास होगा, तो 64,827 किसके ज्यादा नजदीक है, तो देखने से अगर आपको पता लगता है तो बहुत अच्छा, ये 65,000 के ज्यादा नजदीक है। नहीं तो अब जब 1000 की बात आती है तो हम किसको देखते हैं, तो हम जो 100 वाला प्लेस होता है, 100 वाला नंबर होता है, उसको देखते हैं, तो ये है 100 वाला नंबर, यानी जो 100 वाला प्लेस वैल्यू जिसकी होती है, जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू 100 होती है उसको देखते हैं हम। तो ये बताइए, 8 है, इसको हम क्या मानेंगे, 8 है तो इसको हम 10 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 8 को हमने 10 मान लिया था बच्चों, ठीक है, तो इसके आगे की जितने भी हमारे पास डिजिट हैं वो 0 हो जाएंगी, और 8 को 10 मान लिया यानी ये 0 यहाँ पे ऐसे की ऐसे आ जाएगा, लेकिन 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, किसमें, जो ये 4 है इसमें जुड़ जाएगा, और मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, 10 में जो 1 है ये तो हम जोड़ेंगे ना, तो ये अगली डिजिट में हम जोड़ देंगे, तो 5 बन जाएगा और 6 एज इट इज, तो यानी ये 65,000 आ जाता है राउंड ऑफ करके टू द 1000s, अगर राउंड ऑफ टू हम 1000 करते हैं तो। अब देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है, अगर देखिए इसी को, सेम क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, तो अगर मैं बोलूं कि नियरेस्ट 1000 तो कर दिया, अब नियरेस्ट 10,000 हमें करना है, कितना करना है, नियरेस्ट 10,000 करना है, तो हम कैसे करेंगे, यानी इसको सन्निकटित करना है, नियरेस्ट कितना, 10,000, तो कैसे करेंगे बच्चों, अब नियरेस्ट 10,000 में हम देखेंगे कि ये 64,000 है, ये 70,000 के ज्यादा नजदीक है या 60,000 के ज्यादा नजदीक है, तो इस केस में हम कौन सा नंबर देखेंगे, इस केस में ये 64,827 है, तो अब हम देखेंगे इसको 4 को, ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास 1000 वाला प्लेस वैल्यू वाला डिजिट है उसको हम देखेंगे, तो ये 4 है यानी 0 के ज्यादा नजदीक है, तो हम इसको 0 ही मान लेंगे, और ये पूरा जो नंबर है हमारा ये राउंड ऑफ हो जाएगा 60,000, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम अगर 10,000 नियरेस्ट 10,000 में करना हो तो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, राउंड ऑफ आपने बेसिकली सीख लिया है कि कैसे राउंड ऑफ करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये फंडा। तो चलिए एग्जांपल हम करते हैं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 3643, तो इसको आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके देखिए,
कहां तक राउंड ऑफ करेंगे? सबसे पहले नियरेस्ट टेंथ तक आप राउंड ऑफ करेंगे। कहां तक करेंगे? टेंथ तक आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। नियरेस्ट टेंथ तक आप राउंड ऑफ करेंगे यानी 3643 है। तो बताइए ये टेंथ में हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं ये लास्ट वाला यानी यूनिट डिजिट, इकाई वाला डिजिट जो होता है। तो ये जीरो मानेंगे इसको या हम दस मानेंगे इसको, जीरो कंसीडर कर लेंगे बच्चों। और अगर इसको जीरो मानते हैं तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3640। और ऐसे भी देख सकते हैं कि 43 है, 43 है, वो 40 के ज्यादा नजदीक है बजाय की 50 के। अब नियरेस्ट अगर हमें 100 करना हो तो बच्चों, नियरेस्ट अगर 100 करना हो तो आप कैसे करेंगे इसको? अब हम क्या, कौन सा डिजिट देखेंगे? अब हम देखेंगे जो दहाई पे है, जो टेंथ पे डिजिट है, वो भी किसके नजदीक है? वो भी जीरो के नजदीक है। तो हम इसको नियरेस्ट अगर 100 करेंगे तो ये 3600 हम लिख सकते हैं। वैसे भी देख सकते हैं 3643 जो है वो 3600 के ज्यादा नजदीक है और 3700 से दूर है बच्चों, ठीक है। तो अब नियरेस्ट अगर हमें 1000 करना हो तो क्या करेंगे? नियरेस्ट अगर 1000 करना हो तो क्या करेंगे? नियरेस्ट 1000 में बच्चों हम ये वाला डिजिट देखेंगे। कौन सा? नियरेस्ट 1000 में हम 100 वाला डिजिट देखेंगे जिसकी प्लेस वैल्यू 100 हो। तो नियरेस्ट 1000 में बताइए कि ये 3000 के ज्यादा नजदीक है या 4000 के, या फिर ये 6 है, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम 10 मान लेंगे। तो लास्ट के दोनों डिजिट तो जीरो हो गए और 6 के बजाय हमने 10 लिख दिया, और जो 3 है इसमें एक 10 के नाम की हासिल जोड़ दी, तो ये हो गया 4। तो इस तरह से बच्चों हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से राउंड ऑफ आप करेंगे बच्चों, ठीक है। अब एक और चीज हम करते हैं, हम करते हैं अगर हमें योग करना हो, जोड़ना हो, तो उसका आकलन हम कैसे करेंगे, ये हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं योग का आकलन, योग का आकलन, ठीक है बच्चों, या फिर आप बोल सकते हैं अंतर का आकलन, योग या अंतर का आकलन। तो अभी हम योग का आकलन देखते हैं बच्चों। योग का आकलन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि दो नंबर हैं आपके पास, 22 और आपको 31, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। लेकिन एडिशन सबको आता है। अब एडिशन कैसे करते हैं? नॉर्मली अगर आप एडिशन करेंगे तो 22 प्लस 31 आप कर देंगे और 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। सिंपल है, एडिशन सबको आता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये एडिशन ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन आपको करनी है, रफली आपको जल्दी से बताना है देखते ही कि किसके नजदीक, किसके लगभग इसका आंसर आएगा। तो रफ कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? आप 22 को भी राउंड ऑफ कर लेंगे और 31 को भी राउंड ऑफ कर लेंगे और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 22 का मैंने 20 मान लिया, 31 को मैंने 30 मान लिया, दोनों को जोड़ के 50 आएगा। तो 50 के लगभग इसका आंसर आएगा। मैंने क्या कर दिया? एक रफ कैलकुलेशन कर दिया बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह जो भी आप योग करते हैं, अगर आपको जल्दी से उसका आंसर चाहिए तो आप एक रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए रफ कैलकुलेशन किसके बेस पे किया मैंने? 22 है, ठीक है। 22 को अगर नियरेस्ट टेंस में आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा है, इसको डिटेल में समझते हैं। 22 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? नियरेस्ट टेंस अगर 22 को राउंड ऑफ करते हैं तो मुझे 20 के ज्यादा नजदीक दिखता है, या फिर ये 2 है तो ये इसको हम 0 लिख सकते हैं। अब 31 है, इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 है यहाँ पे, इसको हम 0 लिख सकते हैं तो ये 30 आ जाएगा। अब 20 प्लस 30 तो आसानी से बता सकते हैं ना आप। आपने क्या करना है? 3 और 2 को जोड़ना है, ये 5 आ जाएगा और 0 एज इट इज। तो 50, ये क्या है आपका कैलकुलेशन, जल्दी आ जाता है, ठीक है। कोई भी हिसाब लगाना हो तो आंसर से थोड़ा अलग आएगा, ये आंसर के लगभग आएगा पर आपका जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी आपको कैलकुलेशन करना है तो आप
राउंड ऑफ करके या फिर आकलन आप कर सकते हैं उस चीज का। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसको हम समझते हैं एक एग्जांपल और करके। 5290 है आपके सामने, 5290 में आपको जोड़ना है 17986। कितना जोड़ना है? 17986 आप जोड़ देंगे बच्चों। इसमें देखिए, जब जोड़ेंगे तो आपको क्या करना है, जल्दी से कैलकुलेशन करना है, फटाफट कैलकुलेशन करना है। तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। अगर आप 5290 को राउंड ऑफ कर दें तो ये नियरेस्ट 1000 में करता हूं। कितना करता हूं? नियरेस्ट 1000 में इनको करता हूं। तो 5290 किसके नजदीक है? जब नियरेस्ट 1000 में करते हैं तो ये वाला डिजिट हम चेक करते हैं जिसका प्लेस वैल्यू 100 होता है बच्चों। कितना होता है? जिसका प्लेस वैल्यू 100 होता है उसको देखते हैं। और ये 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, और इसके बाद के सभी डिजिट्स 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो मुझे 5000 आ गया। अब 17986 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो कितना आएगा? फिर से मैं ये वाला डिजिट देखूंगा और ये 9 है जो कि 10 के नजदीक है। तो यानी 17 में मैं एक जोड़ दूंगा 18 और बाकी सब 0 आ जाएंगे। तो देखिए, मेरे पास राउंड ऑफ करके क्या नंबर आए हैं? 5290 को मैंने लिख दिया 5000 और 17986 को मैंने लिख दिया 18000, क्योंकि ये नियरेस्ट 1000 में इनके ज्यादा नजदीक थे। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो इसका योग इनका आप जल्दी से कर पाएंगे बच्चों। और इनका योग जल्दी से कैसे कर पाएंगे? आपको अब सिर्फ 5 और 18 को जोड़ना है। 5 और 18 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 23 आ जाएगा। और 0 आप 3 0 है तो एज इट इज 0 लगा दीजिए। देखिए कितना जल्दी आपका एडिशन हो गया। लेकिन बच्चों, जो असली आंसर होगा उसके लगभग आएगा, ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, आकलन करेंगे, तो इनका जो ऐड करके आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आंसर के लगभग का आंसर आएगा। लेकिन हाँ, एक फायदा है इसमें कि जल्दी आपका कैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि आप कर रहे हैं रफ कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज हम सीखते हैं कि अंतर का आकलन आप कैसे करेंगे। किसका? अंतर का आकलन। तो अगर डिफरेंस का आपको एस्टीमेशन करना है, एस्टीमेशन ऑफ डिफरेंस, तो आप कैसे करेंगे? तो एक नंबर और लेते हैं हम यहां पे, 5673। इसमें से अगर हमें 436 माइनस करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसका डिफरेंस हम लेंगे। तो देखिए, नियरेस्ट हम इसको 100 कर सकते हैं टू। तो ये सब क्वेश्चन आप घर पे एक बारी करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।